हु कॉइन द टर्म सोशलॉजी सोशलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था अगस्त कॉम्टे ने ऑप्शन नंबर बी अगस्त कॉम्टे थ्रू लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्लियरली स्टेब्लिश अ क्लोज एसोसिएट ऑन बिटवीन इंटलेक्चुअल एवोल्यूशन एंड सोशल प्रोग्रेस ऑप्शन नंबर ए फॉर द कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट सोशल स्टेटिस्टिक एंड सोशल डायनमिक्स रिफर्स टू तो ये किस रिफर करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन को पॉजिटिव फिलॉसफी इज द वर्क डन बाय तो पॉजिटिव फिलॉसफी भी आपने ऊपर देखा है एम सी में ये वर्क किसके द्वारा दिया गया है अगस्त कॉमटे द्वारा कॉमटे डिवाइडेड द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इनटू टू ब्रॉड एरियाज नेमली तो अगस्त काम्टे ने स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे कि सोशल स्टेटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स यानी ऑप्शन नंबर ए द टर्म ऑर्गेनिक एनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन नंबर ए

सोशल तो ये फ्रेज किसने दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑप्शन नंबर बी सोशल स्टैटिक्स इज रिटन बाय तो ये सोशल स्टैटिक्स किसने लिखी थी हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन नंबर सी द मैन वर्सेस द स्टेट इज रिटन बाय द मैन वर्सेस स्टेट किसके द्वारा लिखी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा व्यूड सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म विद इंटर रिलेटेड पार्ट्स तो ये भी फिलॉसफी हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दी गई है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पेंसर थ्रू हिज लेसेज फेयर डॉक्टर एंड एडवोकेट्स दैट तो लेसेज फेयर द्वारा स्पेंसर क्या कहना चाहते हैं द स्टेट शुड नॉट इंटरवीन इन इंडिविजुअल अफेयर यानी राज्य को मनुष्य के इंडिविजुअल अफेयर यानी पर्सनल अफेयर्स में वो इंटरवीन नहीं करना चाहिए मतलब बीच में नहीं बोलना चाहिए एक्सेप्ट इन द रेदर पैसिव फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज रिटन बाय प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए इन विच ईयर हर्बर्ट स्पेंसर वॉज बॉर्न अगस्ट कॉम्टे जैसे फेमस फिलोसोफर का जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है वैसे ही हर्बर्ट स्पेंसर का भी पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एटीन ट्वेंटी स्पेंसर्स फेमस वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी वॉज पब्लिश इन द ईयर एटीन एटी में पब्लिश किया गया था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लिविंग सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो ये किसने आर्ग्यू किया था वो थे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था सोसाइटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उनका जो कार्य करने का तरीका है वो भी सेम है और इनका फंक्शन भी सेम है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम है एमाइल डरखाइम एंडीवर टू स्टैब्लिश सोशोलॉजी एज अ सेपरेट अकेडमिक डिसिप्लिन सेंटर ऑन इज एफर्ट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फोर्सेज ऑन पीपल्स बिहेवियर ऑप्शन नंबर बी डरख्स रिसर्च सजेस्टेड दैट तो डरखाइम की रिसर्च क्या सजेस्ट करते हैं कि दे आर सेम्ड टू हाइयर रेट्स ऑफ सुसाइड इन टाइम्स ऑफ पीस दैन इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड रिवोल्यूशन तो डर कहते हैं कि जो शांति के टाइम एकदम शांत टाइम होता है पीस टाइम उस टाइम हाइयर रेट्स ऑफ सुसाइड ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं रेदर कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जंग के दौरान या क्रांति के दौरान एनोमी रिफर्स टू एनोमी क्या होता है